बहुत सी चीज़ों में लैक कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम अपना कंपैरिजन बाहर के मुल्कों से करें, वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का जो हसूल है ना, वो इंतहाई मुश्किल अमल है, और अगर आप वायलेशन करते हैं तो आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल भी होता है, पूरी पूरी ज़िंदगी आपको नहीं मिलता। इतनी स्ट्रिक्ट वहाँ पर ये पॉलिसीज़ हैं, और पाकिस्तान में जनाब घर बैठे आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। नहीं, ये कभी हुआ करता था। अगर आप चेक करें, आप जिस शहर में रह रहे हैं, कभी जाके आप देखें कि वहाँ पे किस तरीके से जो है वो लाइसेंस बन रहा है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है उसको देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है, और छोटी छोटी गलतियाँ, जैसे आप अमेरिका में या किसी भी फॉरेन कंट्री की बात करते हैं जब, तो कहते हैं कि जी वो वहाँ तो ये चेक हुआ, मैंने ये गलती की और मेरा फौरी फेल कर दिया गया, या मेरी ये गलती थी और इस तरह हो गया। अब आप यहाँ पर चेक करें, आपको जो हमारा प्रोसीजर है उसमें कहीं कोई सुकम नजर नहीं आएगा। अब क्या प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हैं, क्या एसओपीज हैं? एसओपीज जो हमारी हैं वो वही हैं, लेकिन उस पर स्ट्रिक्टली अमल किया जा रहा है। खासतौर पे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हमारे कैप्टन लियाकत साहब ने बिल्कुल हर चीज को स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। ग्रेट। जैसे आप जाते हैं वहाँ पे, अपनी एंट्री करवाते हैं, एंट्री करवाने के बाद, इससे पहले बता दूँ कि जो लर्नर बनता है तो 42 डेज के बाद आप वहाँ पे मैच्योर लाइसेंस के लिए जाते हैं। फिर आप वहाँ एंट्री करवाते हैं, आप अपनी बारी के साथ जो है अपना टेस्ट देते हैं, और प्रॉपर वही प्रोसीजर और वही एसओपीज जो आपको किसी भी फॉरेन कंट्री में नजर आती हैं, वो यहाँ पे नजर आती हैं, और उसी तरह से अब लाइसेंस बनता है। आप चेक करें, आपको पता चलेगा कि अभी कम अज कम लाहौर की हद तक बहुत स्ट्रिक्ट है, और बिल्कुल हर चीज को एसओपी को जो है फॉलो करके प्रॉपर तरीके से लाइसेंस को बनाया जाता है। तो शहजाद साहब, जब सड़क और ट्रैफिक के कवानीन की बात की जाती है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कानून में मौजूद हैं लेकिन लोग उसका ख्याल नहीं रखते हैं? देखिए, वो तो कानून में जितनी चीज़ें हैं मोस्टली उनका वो ख्याल नहीं रखते, उसी बिना पे तो उनके जो है चालान किए जाते हैं, FIR दर्ज की जाती हैं, उनके गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं। ये वही मतलब जितने लॉज हैं, जब वो ब्रेक होते हैं तो फिर उनके खिलाफ जो है उसी तरीके से हम लोग कार्रवाई करते हैं। और जहाँ तक हादसात का मामला है, उसमें हम देखते हैं बहुत सी रीजंस हैं, जिसमें ओवर स्पीडिंग भी है, रोड रेज एक बहुत बड़ी रीज़न है। बिल्कुल, आपको मैं आप बताऊं कि सबसे पहले तो बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके जो आउटर लाइन है वो मैं अगर बताऊं आपको, तो वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम हादसात में उनको चेक ही नहीं करते, और हम सोचते ही नहीं है कि इनकी वजह से भी हादसात होते हैं। लेट्स से रोड जो है, रोड के रोड पे जो गड़े पड़े हुए हैं, रोड टूटा हुआ है, टूटा फूटा रोड जो है, गलत स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, या इवन वासा का जहाँ पानी निकल रहा है, या इंक्रोचमेंट है आपकी, ये चीज़ें भी हादसात का सबब बनती हैं। उन चीज़ों के अलावा जो रूटीन में हम समझते हैं, सही, जैसे ओवर स्पीडिंग, जैसे सिग्नल की वायोलेशन, जैसे लेन लाइन की वायलेशन, जैसे रैश ड्राइविंग, तो इन पर सजाएं डिफरेंट हैं? हर चीज पे डिफरेंट सजा है। खास तौर पे जो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, उसमें तो हम लोग FIR भी दर्ज करते हैं, जिसकी इवन सजा जो है वो 3 साल तक कैद भी हो सकती है, और 2,000 से ऊपर, इट्स सब्जेक्ट टू कि किस तरह की वायलेशन है और किस तरह की नेग्लिजेंसी है, उसी हिसाब से जो है वो जुर्माना भी किया जाता है।